तब आप सबका आपके अपने चैनल पे लाइव विद सिमा में स्वागत है और आज है मेरा बर्थडे और शाम के तीन बज चुके हैं और आज मंडे है <laughs> मंडे है और इस टाइम पे शाम के तीन बज चुके हैं और अब इस टाइम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज तीन बजे इतने लेट हो चुके हैं राधा के बर्थडे पर भी और अब करना है मुझे थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है यहाँ पे क्योंकि सारा ऐसा ही है जैसे नॉर्मली हर टाइम पे रहता है ऐसा ही है कुछ स्पेशल नहीं कर रखा अभी तक और उसके बाद फिर आने शुरू हो जाएंगे तो फिर हम नहीं कर पाएंगे तो किसी के आने से पहले ही हम अपना जो थोड़ा बहुत डेकोरेशन का है वो कर लेते हैं जितना भी होगा उस टाइम तो उतना ही करूँगी मैं ज़्यादा नहीं करूँगी और यहाँ पे देखिए अरे कपड़े भी नहीं पहन जाते देखो मेरी बात सुनो अब तक कोई भी तैयार तो नहीं हुआ सिर्फ गीतू को छोड़ करके सब पुराने कपड़ों में है नहीं बेटा कपड़े तो चेंज होने हैं ना अभी और मैं अम्मा बेटा ऐसे हैं जो नए कपड़े पहन रखे हैं है गीतू और सारे अभी पुराने कपड़ों में है देखो भी सिंगर क्या हुँ। <laughs> हुँ। तो चलिए थोड़ा सा काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर बातें करते हैं आप लोगों से तो यहाँ पे ये जो पाम ट्री है वो मैं नीचे लेकर के आ गई हूँ क्योंकि इसी पर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी और ये अच्छा भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि ना कितने ही कर लें हम लेकिन इसके ऊपर मैं लाइट नहीं लगाती तब तक मेरी जो डेकोरेशन है वो अधूरी है तो मुझे इसके नीचे रखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था कि जिससे ये थोड़ा सा ये हो जाए कि भाई हाँ दिखे ऊपर तो वही मैं ढूँढ रही हूँ और यहाँ पर देखिए जय को कितना शरीफ बना हुआ बैठा और ना आज इसके बस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था क्योंकि ये हर टाइम सोचता रहता है कि बस यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन कर दें और फिर हम टू यू करें इसको बहुत ज़्यादा शौक लगा हुआ है जब से इसका हमने बर्थडे मनाया था उस टाइम से तो बस ये अभी इसी उसमें है कि हाँ क्या, क्या क्या यहाँ पे होगा और बहुत ध्यान से देख रहा है क्योंकि फिर इसको भी करना है ये सारे काम और अगले दिन भी इसको करनी होती है सुबह से ही लगा हुआ है मेज़ का जो कवर है वो निकाल करके खड़ा हुआ है जो लाइटें हैं वो मतलब कि लेकर के आया है कि मम्मी ये लाइटें लगा दें तो मैंने कहा बेटा रुक शाम में लगाएंगे और अब देखिए आप, आप लोगों को सब बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं लेकिन इसको ये है कि बस हाँ मुझे यहीं पर बैठ करके देखना है और सबसे पहले तैयार होकर के बैठ गया है जिद लगा कर इसने कपड़े पहले ही डाल लिए थे मैं बोल रही थी कि बेटा बाद में डालना जब सब पहनेंगे लेकिन नहीं इसको तो सबसे पहले तैयार होना था और बस यहाँ पर बाकी जो सारी चीजें हैं जैसे सोफे के कवर हैं वो मैंने चेंज कर दिए हैं कुशन कवर भी लगा दिए हैं और पाम ट्री है उस पर लाइट मैंने लगा दी है लेकिन अभी तक मैंने जलाई नहीं थी क्योंकि बच्चे हैं ना यहाँ पे थोड़ा सा फिर वो छेड़ते रहते हैं और इसके बाद मैं यहाँ पे जो गुब्बारे हैं वो लगा रही हूँ और गुब्बारे सारे मोहित और अराध्या दोनों ने फुलाए हैं क्योंकि मुझे पता था मेरे से तो जो एक गुब्बारा ना वो भी नहीं फुलाया जाता तो मैंने इनको सौंप दिया था ये काम कि बेटा लो गुब्बारे का पैकेट और गुब्बारे फुला करके के ले कर के आओ तो यहाँ पे देखिए सारी जो तैयारी है वो हो चुकी है बस थोड़ा सा हम वेट कर रहे थे क्योंकि आसपास से कोई बुलाया था ना तो बस उन्हीं का और यहाँ पे देखिए पाम ट्री पे जो लाइट है ना वो कितनी सुंदर लग रही है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये देखिए और ऊपर भी मैंने जो मनी प्लांट था ना उसकी जो डंडी थी जिसके सहारे मैंने उसको लगा रखा है उसमें जो घोंसला है वो डाल दिया था और घोंसले में भी लाइट मैंने डाल दी थी और थोड़ी सी बस मनी प्लांट के इधर उधर तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये भी और बस यही छोटी सी डेकोरेशन की है और जो हैप्पी बर्थडे वाला जो आता है ना वो हम नहीं लेकर के आए क्योंकि जय के बर्थडे पर उसमें इतना टाइम लग गया था तो फुलाने में बहुत ही ज़्यादा और फिर उसको रखने की दिक्कत तो और उसमें से फिर कभी कोई अक्सर उठा के ले के गए बच्चे कभी कोई अक्सर उठा ले गए तो वो सारा ख़राब ही हो गया तो फिर मेरा मन नहीं किया कि नहीं लेते हैं बस इसी तरह से थोड़ी सी कर लेंगे जो घर में चीज़ें हैं उन्हीं से तो देखिए और आप लोग बताना जरूर कमेंट करके कि कैसी लग रही तो यहाँ पे हमारी जो बच्चा पार्टी है वो सारी बैठ चुकी है और केक भी आ चुका है और मैं इनसे मजाक कर रही थी कि बेटा बीच में कुछ भी ऐसा मत कर देना क्योंकि जय के बर्थडे पे ना बस पूछो मत बच्चों ने क्या किया था तो उसी चीज़ का मुझे डर था और ये देखिए ये है आराध्या का केक और यहाँ पे बस अब मैं इसको जो कैप है वो भी पहना दूँगी और जय का मन हो रखा था देख देख करके कि जैसे बस मुझे ही पहना दें देख सकते हो आप लोग कैसे देख रहे हैं तो चलिए बस अब आप लोगों के साथ जो केक है वो भी कट कर लेते हैं बैठ जो बैठ जो हाँ जोर तो जोर जो जो से गीतू। कॉफ़ी नहीं छोड़ रहे से तू छोड़ा है ये भैया भी, भी आप करना है बोलो भाई पूछी बात में जा ना उठा लो तो बस अब बारी बारी से सब आराध्या को केक खिला देंगे और ये है आराध्या की ताई यानी मेरी जेठानी बड़ी बहन कुछ भी आप बोल सकते हैं और बहुत ही प्यारी है और मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात भी बताना चाहती हूँ कि आराध्या का जो केक है वो अब की बार गिफ्ट किया गया है यानी हम केक लेकर के नहीं आए हैं आराध्या के लिए अपने पैसों से तो ये गिफ्ट किया गया है किसने गिफ्ट किया है वो भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी तो आराध्या की इच्छा थी इस केक की तो इसकी जो छोटी मामी है परमिला और आप जानते ही होंगे मैं मटोर गई थी वहाँ पे मौसी के घर पे तो जो छोटी भाभी है उसने आराध्या को जो गिफ्ट दिया है मतलब केक जो अब की बार आया है वो इसकी छोटी मामी की तरफ से आया है और स्पेशली हमें बोला गया था कि जो केक होगा वो मेरी तरफ से होगा और आराध्या की पसंद का होगा तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है इसकी मामी ने इसके बर्थडे पर इसकी जो मनपसंद गिफ्ट था वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देखिए प्यार होता है क्योंकि सबके बस की बात भी ये नहीं होती है जब बच्चे से प्यार करता है कोई तो उसी टाइम पे वो कर सकता है और आराध्या लाडली भांजी है तो अपने लाडली भांजी के लिए उन्होंने ये गिफ्ट दिया है और आराध्या भी अपनी मामी से बहुत ज्यादा प्यार करती है क्योंकि जब से वो आई थी और जितने दिन भी हम वहाँ पे रहे तो उन्हीं के पास सोती थी उन्हीं के पास रहती थी तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा हमें और आप लोगों को कैसा लगा ये गिफ्ट जरूर बताइएगा कमेंट करके और आप सभी लोगों का भी दिल से शुक्रिया क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं बहुत ही सारे इतनी सारी ब्लैसिंग और इतना सारा प्यार बच्चे के लिए तो सच में आप लोगों का एक बार मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहती हूँ तो यहाँ पर सबने बारी बारी से जो केक है वो खिला दिया है और लास्ट में बारी आई थी मेरी तो <laughs> मैं खिला करके चल पड़ी थी लेकिन आराध्या अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है तो इसने स्पेशली बिठाया है मुझे कि नहीं मम्मी मैं भी खिलाऊंगा बैठो एक बार यहाँ पे तो बस सबने के खिला दिया है और उसके बाद ये दोनों बच्चे रहते थे तो ये भी खिला देंगे कितनी बोली है प्यारी प्यारी है हो Okay. बस अब यहाँ पर मैं बच्चों को भी बारी बारी से सभी को केक खिला दूँगी और कमेंट आया था कि आप बच्चों को केक नहीं खिलाते हो वैसे ही फोटो लेने शुरू कर देते हो तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है बच्चों को मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ से उठा दिया था क्योंकि उस टाइम पे ये ना फिर शरारत बहुत ज़्यादा करते हैं अगर एक एक चीज़ उठा लेता फिर सभी को वो चीज़ चाहिए होती है तो इसी करके बस मैंने ये बोल दिया था कि बेटा तुम थोड़ी देर के लिए उठ जाओ बाकी ऐसा कुछ नहीं है ऐसे कमेंट ना करें देखिए हमें भी सब बातों का पता होता है और मैं इतना फ़र्क बच्चों में नहीं करती हूँ चाहे कोई कुछ भी सोचे क्योंकि ना जब हमारी एनिवर्सरी का जो व्लॉग था उस पर भी मेरे पास कमेंट आया कि आपने आपके दोनों बच्चों को केक खिला दिया आपकी जो ननंद का लड़का था उसको आपने केक नहीं खिलाया तो ये सब की अपने अपने सोच होती है देखिए मैं कुछ नहीं कह सकती पता नहीं क्योंकि जो थम्बनेल पर फोटो लगाया ना वो भी वही लगा हुआ था मैं मोहित को केक खिला रही थी फिर भी पता नहीं कैसे बोल देते हैं कुछ लोग आकर के खैर कोई बात नहीं छोड़िए तो अब यहाँ पे ज्योति घर पे चले गई थी थोड़ी देर के लिए ये अब आई है बाद में क्योंकि कोई आ गया था और ये जो गोद में है ये है इनका बेटा और जो पास में खड़ी हुई है वो है इनकी बीच वाली जो बेटी है वो और इस टाइम पे सब लोग जा चुके हैं जो बाहर से आए थे बस एक ज्योति रहती थी बाकी सब चले गए थे और अब बच्चों का मन था बहुत सारा कि मम्मी जो म्यूजिक है वो लगाओ हम डांस करेंगे बस जैसे ही सॉन्ग चले बच्चों ने अपनी मस्ती शुरू कर दी थी और यहाँ पे आप लोग सुमन को भी देख सकते हैं इससे भी नहीं रुका जाता जब भी गाने चलते हैं तो ये तुरंत नाचना शुरू कर देती है क्योंकि ना इसको भी बहुत ज्यादा शौक है डांस करने का और जब भी किसी की शादी होती है तो जो डीजे नाइट होती है उस पर भी बहुत ज़्यादा डांस करती है सबसे पहले शुरू करती है और सबसे बाद में ये हटती है वो भी बहुत बार बोलने के बाद और यहाँ पर मैं जय को भी बुला रही थी कि बेटा थोड़ा सा तो कर ले पर पता नहीं आज इसको क्यों शर्म आ रही थी बिल्कुल भी नहीं कर रहा था आराम से बैठा था सोफे के ऊपर हाँ बीच बीच में एक दो बार ये हो रहा था कि कहने से थोड़ा सा करके जा रहा था हाथों को हिला करके और बस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी माँ भी मैं भी सब लोग लगे पड़े हैं और बहुत टाइम तक बहुत ही लंबे टाइम तक हमने डांस किया बहुत ज्यादा मौज मस्ती की सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि ना ये होता है वैसे तो मैं कर लेती हूँ साथ में मेरी आराध्या कर लेती है बस मतलब इतने सारे ने इकट्ठा नहीं किया था बहुत दिन हो चुके थे तो इतने दिनों के बाद डांस करके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और बच्चों को भी आप लोग देख सकते हैं आराध्य और खुशी लगे पड़े हैं दोनों के दोनों और ये भी जितनी देर हमने डांस किया उतनी देर इन्होंने भी किया यहाँ पे तो मैं इतना ज़्यादा दिखाऊंगी भी नहीं क्योंकि अगर हम म्यूजिक के साथ दिखाएं तो फिर थोड़ा सा अच्छा लगता है बिना म्यूजिक के तो फिर नहीं इतना अच्छा लगता तो बस डांस करने के बाद हमने अपना खाना बनाया खाया पिया फिर काफ़ी देर तक हम बैठे रहे बातचीत करते रहे आपस में क्योंकि सुमन ना बस एक दो दिन के लिए ही आई है ज़्यादा दिन नहीं रुकेगी और उसके बाद क्लिप तो मैंने निकाली थी खाना बनाते टाइम के लेकिन वो मैं ऐड नहीं कर पाऊँगी इस वीडियो में क्योंकि वैसे ही ये लंबी हो जाएगी और दो पार्ट मुझे इसके बनाने नहीं थे क्योंकि ना दो बन रहे थे ना एक बन रहा था तो इस करके मैंने सोचा कि चलो भाई खाना पीना तो हर रोज ही दिखाते हैं वीडियो में आज उसको रहने देते हैं और अब यहाँ पर मैं ज्योति को बुला रही हूँ लेकिन ये आ नहीं रही थी क्योंकि एक तो ना ये शरमाते भी ज़्यादा हैं और फिर ऊपर से इसको डांस भी नहीं करना था कभी भी नहीं करती ये नहीं कि वीडियो में ही नहीं कभी भी नहीं करती वैसे भी जैसे जब किसी की शादी वगैरह होती है तो बिल्कुल भी नहीं करती हम जबरदस्ती इसको खींच रहे थे लेकिन सही बात है जब आदमी को हाथ ही नहीं लाने आते तो फिर वो डांस भी क्या करेगा बिल्कुल हिलती भी नहीं है ये चाहे हम कितने ही कोशिश कर लें कि थोड़ा बहुत है, तो अगर आदमी को ये होना कि हाँ मुझे सीखना है या फिर उसको शौक होता है तो फिर तो वो सीख ही लेता है जैसे तैसे भी उस पर हाथ पैं लगते हैं और इस पर तो यही होता है हमें कौन से ये होता है कि स्टेप करने होते हैं बस अपनी मस्ती से झूमते रहो जैसे भी हाथ पैर लगे उल्टे सीधे लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ एक मस्ती ही होती है जिससे कि थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगे बस और इससे ज़्यादा कुछ नहीं और जय को आप लोग देख सकते हैं साथ में देख रहा है और साथ में कानों में उंगली डाल रखी है बस जो आवाज़ है ना वो ज़्यादा सुनाई ना दे तो इसी तरह से करता रहता है ये काफ़ी लंबे टाइम तक इसी तरह से बैठा रहा तो चलिए फिर अब इस फ्लो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर देना और वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में और बहुत ही अच्छा व्लॉग मैं लेकर के आने वाली हूँ आप लोगों के लिए जिसमें कि आपको देख के अच्छा लगेगा बहुत ही ज़्यादा और चलिए फिर बाय बाय टेक केयर लव यू